ठीक होंगे। वेलकम टू द ई क्लासेस ऑफ सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर। हम फिर से मिल रहे हैं अपने ई क्लास में। लास्ट ईयर जो ये पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 कोरोना के कारण हम लोगों ने पूरा साल ई क्लास के जरिए ही पढ़ाई की थी। इस साल की शुरुआत इसी से हुई है, यानी कि हम फिर से मिल रहे हैं अपने ई क्लास में। अब जो है सिक्स में से आप सेवन्थ में आ गए हो, तो सेवन्थ में मैं क्या लेने वाली हूँ, हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो मैं मुनाली ठक्कर, आपकी गुजराती की टीचर। अब जो है शायद मैंने आप लोगों में से किसी को फिफ्थ में गुजराती पढ़ाया होगा या हिंदी पढ़ाया होगा। चलो तो जो गुजराती पढ़ाया है शायद सिक्स, फिलहाल जो सेवन्थ ए की क्लास है उनको मैंने पढ़ाया था। तो अब जो है हम वापस मिल रहे हैं, किसी के लिए मैं न्यू हूँ तो किसी के लिए मतलब पहचाना हुआ चेहरा हूँ, तो हम मिल रहे हैं फिर से। तो ये सेवन्थ स्टैंडर्ड है उसमें आपका गुजराती मैं लूंगी। चलो गुजराती, अब जो है गुजराती सीखना क्यों जरूरी है, उसका बेस क्या है, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है गुजराती सीखना क्यों जरूरी है, तो क्यों, क्योंकि उसका मेन रीजन है हम गुजरात में रहते हैं। जो है आते लोग हैं जो गुजराती होंगे, जिनकी मदर टंग गुजराती है तो उनको तो आती है, लेकिन बहुत जन ऐसे हैं जिनकी मदर टंग गुजराती नहीं है लेकिन वो गुजरात में रहते हैं, इसलिए उनको सीखना जरूरी है। जैसे कहा जाता है जहाँ हम रहते हैं वहां सर्वाइव करने के लिए वहां की लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। तो जो गुजराती है वो गुजरात में ज्यादातर बोली जाती है, नई की लैंग्वेज है तो हम सबको आनी चाहिए, एक रीजन वो है। चलो तब जो गुजराती है उसका बेस क्या है, मेन क्या है। चलो कोई भी चीज है अगर बिल्डिंग खड़ा करना है तो नीचे पहले बेस डालेंगे ना, यस, तब जाके पूरी इमारत खड़ी हो जाएगी। पर जो है कोई भी लैंग्वेज, उसी तरह से कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए उसका बेस मेन होना मतलब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश में है हम क्या करते हैं ए टू जेड, ए बी सी डी से शुरुआत करते हैं, उसी तरह से जो गुजराती है उसकी शुरुआत हम करते हैं मेन क्या, सीधा सेंटेंस बोलने नहीं लग जाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले जो है उसके भी लेटर्स हैं यानी कि क ख ग उसको सीखेंगे, और उसके बाद जो है हम उसमें से वर्ड्स बनाएंगे यानी कि शब्द बनाएंगे, फिर जाके है उसको सेंटेंस बनाएंगे, तब जाके हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। यस, तो जो है सबसे पहले क्या करना है हमें, जो उसके लेटर्स हैं अल्फाबेट उसको सीखना बहुत जरूरी है, जैसे क ख ग ग। तो वो चलो वो तो अभी आपका लेवल काफी बड़ा है, आप सेवेंथ में आ गए तो वो हम इसमें नहीं करेंगे, वो आप करके आ रहे स्टैंडर्ड थर्ड में। तो जो है मेन वो सीखना काफी जरूरी है, अगर वो आपको अच्छे से आ गया तो आगे जो है वो आपको बहुत इजी रहेगा। तो वो आप चीज सीख चुके हो लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट देख लेना यानी कि पता पड़ जाएगा। चलो पर जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड की बात थी, वो मेन बीज की बात थी। अब हम आ गए हैं स्टैंडर्ड सेवेंथ में यानी कि कक्षा सात में। अब जो है इसमें आपकी बुक जो है वही रहेगी जो लास्ट ईयर थी यानी गुजराती धोरण पांच, वो वाली बुक आपको इस साल सेवेंथ में काम आएगी। तो चलो देख लेते हैं आज पहले हम क्या क्या करने वाले हैं, अपना जो है सेवेंथ स्टैंडर्ड उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। यस, सबसे पहले क्या करें इंडेक्स देख लेते हैं, अब पढ़ना तो है हमें सेवन, ठीक है। सेवन की गुजराती में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नया नया सीखने वाला सीखना है। चलो जैसे सिक्स से आप बहुत कुछ सीख के आ रहे हो, सेवन में थोड़ा कुछ अलग होगा, तो हम वो क्या अलग करने वाले हैं वो देखते हैं इंडेक्स के जरिए। चलो सबसे पहले जो है हम करेंगे चैप्टर नंबर वन चबूतरों, जो कि एक चित्रपाठ है, चित्रपाठ यानी कि चित्र बदावली जो आप देखते हो वो संस्कृत में भी देखिए हिंदी में भी पढ़े वो वाले। चलो उसमें उस चित्र ही होता है तो उसके कोई लेखक नहीं होते हैं वो। नंबर टू पर्वत तार जो कि प्रार्थना गीत है, जिसके राइटर है सुरेश दलाल। फिर नंबर थ्री मेहनत नोरोटो बोध कथा। फिर नंबर फोर सुंदर सुंदर वो भी काव्य है। फिर रिविजन वन आएगा, फिर आएगा चैप्टर नंबर फाइव सर्दीना प्रतापे, चैप्टर सिक्स नर्मदा मैया, चैप्टर नंबर सेवन अलग दल, फिर आएगा पुनरावर्तन टू। तो जो इतना चीज है सात चैप्टर और दो पुनरावर्तन वो हम करेंगे अपने सेमेस्टर वन में। अब नॉर्मली आप सबको पता है सेमेस्टर वन में पूरा कोर्स आता है, लेकिन जो है मेन अपना यूटी होता है उसमें क्या आएगा चैप्टर नंबर वन और
चलो चबूतरा जो है वो चित्रपाठ है, उसको हम बाद में करेंगे। शुरुआत हम करेंगे अपना जो काव्य नंबर 2 है पर्वत तारा, उससे जो क्या है एक प्रार्थना गीत। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कैसे होती है, प्रार्थना से होती है। तो हम इसकी भी शुरुआत क्या करेंगे, प्रार्थना से करेंगे। चलो स्कूल आते हो तो जब नए दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले क्या करवाई जाती है, प्रेयर करवाई जाती है, प्रार्थना करवाई जाती है ना। तब अब सिक्स्थ में से सेवेंथ में आ गए हो, सेवेंथ में भी हम जो है शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ, पर आज नहीं कल से करेंगे। तब तक आपके पास टेक्स्ट बुक हो उसको एक बार रीड कर लेना, बाकी कैसे गाई जाती है वो मैम आपको सिखाएगी। ओके, तब तक टेक केयर, ध्यान रखना, बाय बाय।